ठीक है। नाउ ये हम केस बता रहे हैं दैट द इलेक्ट्रॉन्स दे कीप ऑन कोलाइडिंग विद द एटम्स, वो कंटिन्यूअसली एटम से कोलाइड करते रहेंगे, कोलाइड करेंगे फिर किसी और रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे। वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम से कोलाइड करेगा, फिर किसी और डायरेक्शन में जाने लगेगा, फिर दूसरे एटम से कोलाइड करेगा, फिर किसी और डायरेक्शन में जाने लगेगा, एंड दिस विल कीप ऑन हैपनिंग फॉर एवरी फ्री इलेक्ट्रॉन। हर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उसके साथ यही फिनोमिना हो रहा होगा। यहां पर अब हम कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं, हम एक टर्म कंसेप्चुलाइज करते हैं। वी डिफाइन रिलैक्सेशन टाइम फॉर दीज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये रिलैक्सेशन टाइम हम गैसीय स्टेट में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी देखते हैं। सो इट इज अ जनरल टर्म वेर एवर वी फाइंड ब्राउनियन मोशन, रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स। जहां पर भी हम पार्टिकल्स का रैंडम मोशन, ब्राउनियन मोशन देखते हैं वहां पर ये रिलैक्सेशन टाइम रिलैक्सेशन टाइम डिफाइन किया जाता है। अभी हम यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ही टर्म में इसे डिफाइन करते हैं, कंसेप्टलाइज करते हैं। वी से दैट द रिलैक्सेशन टाइम फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स विद एटम। इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स एन इलेक्ट्रॉन विथ एटम्स, ठीक है। गैसीय स्टेट में भी बिल्कुल इसी तरह से इसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। गैस का जो एटम है या मॉलिक्यूल है वो दो कोलिजन के बीच में कितना टाइम स्पेंड करता है। सिमिलरली यहां हम इलेक्ट्रॉन के लिए इसे कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन दो कोलिजन्स के बीच में कितना टाइम स्पेंड करता है, कितना टाइम इंटरवल दो कोलिजन्स के बीच में होता है। नाउ दिस कैन बी डिफरेंट फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन के लिए जो है ये अलग अलग टाइम इंटरवल हमें मिलेगा, ठीक है। सो इफ देयर आर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनके लिए यहां पर जो ये टाइम इंटरवल, रिलैक्सेशन टाइम हम बता रहे हैं, ये उनके लिए अलग अलग होगा, ठीक है। टाउ से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली, सो टाउ वन, टाउ टू, टाउ थ्री, टाउ फोर, इस तरह से अलग अलग टाइम हर इलेक्ट्रॉन के लिए वहां हमें मिलेगा। बट यहां पर एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखा जाता है, एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो यहां पर किया जाता है, इट इज दैट द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम और द मीन रिलैक्सेशन टाइम दैट इज जनरली फाउंड टू बी कॉन्स्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो एक एवरेज
होगा, n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सबके रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज अगर हम ले तो वो टाइम ऑलमोस्ट हमें कांस्टेंट देखने को मिलता है. इट इज फाउंड टू बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो टाइम हमें कांस्टेंट मिलेगा. सो हम इसी रिलैक्सेशन टाइम को डायरेक्टली ना यूज करते हुए वी यूज द मीन और वी कैन से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. द मीन और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज अ सिंपल एवरेज ऑफ द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबका एवरेज हम सिंपली निकाल लें यहां पर. ठीक है, सिंपल एवरेज, सबको ऐड कर दो, जितने भी टोटल नंबर है उससे डिवाइड कर दो. ठीक है, इट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, या हम बोले एवरेज ऑफ इंडिविजुअल रिलैक्सेशन टाइम ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अगर वहां n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम इस तरह से tau mean इज इक्वल टू tau 1 प्लस tau 2 प्लस tau 3 अप टू tau n होल अपॉन n. ठीक है, जिस तरह से हम एक सिंपल एवरेज निकालते हैं नंबर्स का, पूरी तरह से ये मीन रिलैक्सेशन टाइम या एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हम डिफाइन कर देते हैं. ठीक है, ये जो रिलैक्सेशन टाइम है इट विल डिपेंड ऑन द मटेरियल, ये मटेरियल पर डिपेंड करेगा और ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा. दैट मीन्स फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर दिस मीन रिलैक्सेशन टाइम इज फाउंड टू बी कॉन्स्टेंट. फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल for a particular material at a fixed temperature tau is found to be constant. With increase in temperature tau decreases. ये ऑब्वियस बात होगी यहां पर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी तो वो जल्दी जल्दी कोलिजन्स करने लगेंगे. जल्दी जल्दी कोलिजन्स कर रहे हैं मतलब दो कोलिजन्स के बीच में टाइम इंटरवल कम होता जा रहा है. देयरफॉर एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर टाउ द मीन रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज. ठीक है, इसका एक सिंपल सा लॉजिक हम दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जल्दी कोलिजन्स करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जल्दी कोलिजन्स करेंगे तो दो कोलिजन्स के बीच में टाइम इंटरवल कम होता जाएगा. एक्सपेरिमेंटली
this relaxation time is found to be order of 10 to the power minus 9 second, that is nanoseconds. ये जो relaxation time है, इसीलिए हम कह रहे थे this relaxation time, ये जो electrons के collisions की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत तेजी से होते रहते हैं, because उनके पास जगह बहुत कम है, वो जैसे ही move करना start करते हैं, दूसरा atom सामने आ जाता है, जैसे ही उससे collide होते हैं, तीसरा atom सामने आ जाता है, so they keep on colliding, ठीक है, और इसीलिए ये tau की जो value practically जब हम इस value को देखते हैं, it is found to be very small, it is of the order of nanoseconds, it is found to be order of the order of nanoseconds. ठीक है, now what is the significance of this relaxation time, इसे हम यहां क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यहां इसे बताने का क्या लॉजिक है, हम इसे क्यों यहां पर लेकर आए, हम ये बताना चाहते हैं दैट इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टर में, मेटालिक कंडक्टर में अगर हम फ्लो करवाते भी हैं तो वो एक स्टेडी फ्लो कभी भी नहीं बन पाएगा, जैसा एक फ्लूइड के केस में होता है, हमने प्रेशर डिफरेंस लगा दिया या एनर्जी में डिफरेंस जनरेट कर दिया, ऊपर टंकी लगा दी, नीचे टैप खोल दिया, तो फ्लूइड कंटिन्यूअसली, पानी जो है वो कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहता है विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन. यहां पर जो सबसे एक मेजर चीज हम समझना चाहते हैं बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रिलैक्सेशन टाइम और इसकी इस वैल्यू को देखकर, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स का इस मेटालिक कंडक्टर में जो फ्लो होगा वो एक कंटिन्यूअस स्टेडी फ्लो नहीं हो पाएगा, इट विल नॉट बी अ कंटिन्यूअस स्टेडी फ्लो, वो जो फ्लो है वो कंटिन्यूअसली डिसरप्ट होता रहेगा इन कोलिजन्स की वजह से, द इलेक्ट्रॉन्स विल कंटिन्यूअसली बी स्टॉप्ड बाय दीज एटम्स, बाय दीज कोलिजन्स, वो बार बार टकराते रहेंगे, वो बार बार टकराते रहेंगे और इस तरह से बार बार स्टॉप कर दिए जाएंगे. बट इफ वी डेवलप अ फोर्स, अगर हम एक ऐसा फोर्स वहां लगाएं जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने की टेंडेंसी रखता हो, विच हैज अ टेंडेंसी टू मेक द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, नाउ डेफिनेटली ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होगा, दिस विल बी एन इलेक्ट्रिक फोर्स. अगर हम एक इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप करें जिससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट कर दे, तो उनकी टेंडेंसी तो उसी डायरेक्शन में जाने की होगी जिस डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर रहा है, बट दे विल नॉट मूव स्टेडिली विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, वो बार बार इन कोलिजन्स की वजह से बार बार ऑब्स्ट्रक्ट होते रहेंगे, टकराएंगे, वापस आएंगे, टकराएंगे, आगे जाएंगे, एंड सो ऑन. अगर हम यहां पर फिर से एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दें इस मोशन के लिए, ये जो मोशन हम बता रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स का जो हम फ्लो बता रहे हैं, ये किस तरह से होगा, इसे अगर हम देखें, नाउ इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे डेवलप किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स तभी डेवलप हो सकता है जब इस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाए. नाउ रिमेंबर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कभी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती. हमने ये कंक्लूड किया हुआ है, हमने ये प्रूव किया हुआ है दैट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर, कंडक्टर के मटेरियल में, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती. बट इन इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर सकते हैं, और इनफैक्ट वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाती है, चार्जेस को फ्लो करवाती है. वो कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे, धीरे धीरे हम उसे भी समझेंगे, पढ़ेंगे.
बट अभी हम बस इतना समझ लें कि किसी तरह से इस कंडक्टर के अंदर, मेटालिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप की गई। सपोज इस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं इनसाइड द कंडक्टर। नाउ दिस इज नॉट एन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के अंदर। अब हम एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर करें। एक इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां इस मटेरियल के अंदर हम कंसिडर करें। नाउ What will be the direction of force on this electron? अगर field इधर है, ये एक electron है, तो force की direction होगी electric field के opposite. ठीक है, there is an electron, ये एक electron है, तो इस पर जो force की direction होगी वो होगी electric field की opposite direction. ठीक है, now ये electron इस फोर्स की वजह से आगे मूव करना स्टार्ट करेगा। इट विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ये जाने लगेगा। बट हमने क्या कहा, ये जो मोशन अब होगा, ये जो एक इसे फोर्स लगाया जा रहा है फ्लो करवाने के लिए, ये जो इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाया जा रहा है फ्लो करवाने के लिए, द इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी एबल टू constantly, continuously move on a straight line. वो continuously, steadily एक straight line पर move नहीं कर पाएगा because of the collisions. तो क्या होगा, ये इधर move करना start तो होगा but it will continuously be stopped by collisions. इस तरह से वो बार बार collisions की वजह से किसी और ही डायरेक्शन में भेज दिया जाएगा, बट अल्टीमेटली वो आगे जरूर बढ़ेगा। अल्टीमेटली द इलेक्ट्रॉन विल मूव फॉरवर्ड, वो आगे जरूर बढ़ेगा पर सीधे सीधे नहीं। जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे जरूर बढ़ेगा, ठीक है, वो बढ़ा तो आगे ही है, बट नॉट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन पर चलते हुए आगे नहीं बढ़ेगा। वी यूज अ वर्ड, हम यहां पर एक वर्ड यूज करते हैं, वी से दैट द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स the direction opposite to electric field. Electron जो है वो move तो करता है but collision करते हुए, इसीलिए हम बोलते हैं वो drift होते हुए जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर wind चल रही है और कुछ particles वहां पर है तो continuously उसी direction में नहीं move करेंगे, लेकिन वो इधर उधर move करते हुए effectively उसी direction में जा रहे होंगे, इफेक्टिवली वो उसी डायरेक्शन में जाएंगे। सिमिलरली यहां पर ये जो फोर्स लगा है, ये जो ड्राइविंग फोर्स लगा है, वो उसको कॉन्स्टेंटली तो मूव नहीं कराएगा बट इट विल इफेक्टिवली मूव इट इन द सेम डायरेक्शन, वो उसको इफेक्टिवली तो आगे ही ले जाएगा। सो ही से दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is set up inside the conductor,
the free electrons start drifting towards the direction opposite to applied electric field. When electric field is set up inside the conductor, the free electrons start drifting towards the direction opposite to applied electric field. ठीक है, नाउ हम ये फाइंड करना चाहेंगे, वी विल बी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द स्पीड और द वेलोसिटी विद विच दीज इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट. ये इलेक्ट्रॉन्स किस स्पीड से ड्रिफ्ट हो रहे हैं हम ये फाइंड करना चाहेंगे, बिकॉज हमने कहा है फ्लो ऑफ चार्जेस ही इलेक्ट्रिक करंट है. ये चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हो गया, तो ये किस रेट से फ्लो हो रहा है, किस स्पीड से फ्लो हो रहा है, हम डेफिनेटली वो चीज डिटरमाइन करना चाहेंगे. सो अगेन उसके लिए भी हम एक टर्म कंसेप्चुलाइज करते हैं, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी और द ड्रिफ्ट स्पीड. ठीक है, यही जो हम इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग बता रहे हैं, इसी को देखते हुए इसी से हम एक स्पीड रिलेट कर देते हैं. दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट स्पीड विल बी द एवरेज स्पीड विद विच ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग. मतलब दो एवरेजिंग हम कर रहे हैं, टोटल इफेक्ट हम देख रहे हैं. एक तो ये कि इलेक्ट्रॉन मल्टीपल कोलिजन्स करके कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, दूसरा ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से आगे बढ़ रहे होंगे, हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग तरह से कोलिजन कर रहा होगा. तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का एवरेजिंग अगर हम करें, एवरेज आउट अगर हम उन्हें करें, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स किस स्पीड से आगे ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ये हम यहां फाइंड करना चाहते हैं, और उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, इट इज द एवरेज स्पीड ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्टिंग ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन.
ठीक है। इस तरह से हम एवरेज एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज लेकर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन कर देंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसेप्चुलाइज करेंगे। मतलब हर इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जा रहा है, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को एड अप करो और उसका एवरेज ले लो, ठीक है। ये जो होगा इसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देंगे, ठीक है। अब हम ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंप्यूट करना चाहेंगे, वी वांट टू कंप्यूट दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है, और कैसे कैसे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक करंट में कंट्रीब्यूट करती है, कैसे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट से इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी अब डिराइव करते हैं, ओके फाइन। हम ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं। यहां पर हम सबसे पहले कुछ n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर कर लेते हैं। वी से दैट सपोज देर आर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। सपोज देर आर n फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। And their velocity is u1, u2, u3 up to un just before electric field is set up. And their velocity is u1, u2 up to un. Just before electric field is set up. Electric field हम वहां set up करते हैं उसके ठीक पहले जो electrons की velocity है उसे हमने u1 वेक्टर, u2 वेक्टर, u3 वेक्टर, इस तरह से un वेक्टर वेलोसिटीज कह दी। नाउ जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगने लगेगा, फोर्स लगने लगेगा मतलब वहां एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा। आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड is set up, force on electrons is equal to QE, MA is equal to minus E into E, and the acceleration on every electron will be equal to minus small e into capital E vector upon M, ठीक है। ये एक्सेलरेशन अगेन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बता चुके हैं, इस तरह से हम चार्ज पार्टिकल्स पर एक्सेलरेशन बताते हैं, एक्सेलरेशन लिखते हैं एफ इक्वल टू क्यू ई, और वहां से हमने एक्सेलरेशन लिख दिया। नाउ जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक एक्स्ट्रा फोर्स अब आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास आ जाएगी। वो पहले से ही स्पीड से तो मूव कर रहे थे, पहले से ही स्पीड से तो मूव वो कर ही रहे थे, बट द इफेक्ट ऑफ दिस एक्सेलरेशन विल बी दैट दे विल हैव एन एक्स्ट्रा एनर्जी, एडेड एनर्जी होगी उनके पास, और वही एडेड एनर्जी उनको कोलिजन्स
जो है वो और जल्दी करने में कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, अब वो चार्जेस जो है एक्सेलरेट हो रहे हैं और उनको वो एनर्जी जो है और जल्दी कोलिजन करवाने लगेगी। ठीक है, नाउ सपोज हम यहां सबसे पहला कोलिजन कंसिडर करें हर इलेक्ट्रॉन के लिए, हर इलेक्ट्रॉन के लिए फर्स्ट कोलिजन हम कंसिडर करें। अप टिल द फर्स्ट कोलिजन, सबसे पहले कोलिजन तक हम इन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अप टू द फर्स्ट कोलिजन द मोशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रीटेड एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की है, यहां पर हम जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं बिफोर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम सेटअप करते हैं। ठीक है, अप टू द फर्स्ट कोलिजन motion will be uniformly accelerated, जो motion है वो एक uniformly accelerated motion होगा। uniformly accelerated motion है तो हम equations of motion लगा सकते हैं। By first equation of motion लगाकर हम ऐसा बोल सकते हैं v1 vector will be equal to u1 vector plus a vector tau 1। acceleration सबके लिए same है इसलिए यहां मैंने 1 नहीं लिखा है, v1 अलग होगा, u1 अलग होगा, tau 1 अलग होगा। इसी तरह से v2 vector equal to u2 vector plus a tau2 up to vn vector equals un vector plus a vector tau n and so on।